तो आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं उसी गेम को जिसका नाम है मिस्टर मीट। आप लोगों ने पिछले पार्ट में देखा था कि मिस्टर मीट ने कितने बेरहमी से भाई मेरी टांगों को इसने काट दिया था, क्योंकि मैं इनके घर में आया था उस लड़की के बारे में पता करने के लिए जिसको इसने किडनैप करके रखा है, जिसका नाम है एंड्रिया क्लार्क। और इसने बुलाया था उसको जॉब देने के लिए, उससे काम करवाने के लिए, लेकिन वो लड़की दोबारा वापस नहीं जाती मिस्टर मीट के घर पे आने के बाद से। ओके, तो हम लोग यहाँ पे मिस्टर मीट का एड्रेस और उस लड़की की फ़ोटो लेकर आ चुके हैं जिसका नाम है एंड्रिया क्लार्क। तो हम लोग उसको ढूंढने के लिए आए हैं इनके घर पर। आपने जो भी बाहर लॉरी देखी, ये बेसिकली मिस्टर मीट का शॉप है जहाँ पे ये मटन को बेचा करते हैं शाम के टाइम पे। ओके, अभी हमारे हाथ में शॉटगन है तो हम लोग चलते हैं पीछे वाले डोर के पास, जिससे कि हम लोग इस डोर के कांच को ब्रेक कर पाएंगे और इस घर के अंदर एकदम इजी इंटर कर पाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे इंटर कर चुके हैं मिस्टर मीट के घर में, और मुझे ऐसा लगा कि शॉटगन की एमो मुझे बाद में मिलेगी, तो हम लोग शॉटगन का यूज करके मिस्टर मीट को ख़त्म कर पाएंगे और यहाँ से उस लड़की को हम लोग वापस लेकर जा पाएंगे। लेकिन यहाँ पे हमको उसकी एमो कहीं पे मिलती ही नहीं। यहाँ पे हाइड होने के लिए एक जगह है, तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली हाइड हो सकते हैं जब मेरे सामने मिस्टर मीट आएंगे तो। ओके, अभी फ़िलहाल वो कहाँ पर है इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, तो मैं यहाँ पर सोचता हूँ क्यों ना थोड़ी सी चीज़ें देख ली जाए, ढूँढ ली जाए। और यहाँ से मैं देखता हूँ किधर हो। हलो मिस्टर मीट अंकल, किधर हो आप? मैं आ गया हूँ आपके घर पे और मैं यहाँ से एग्जिट कर गया भाई। ओ, इसी डोर से मैं इंटर किया था और इसी डोर से एग्जिट कर गया। मुझे लगा भाई कोई अलग सा डोर है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा साउंड करता हूँ ताकि मिस्टर मीट इस तरफ आए, और वो आता भी है तो मैं फिर से वही गलती कर देता हूँ और इसी तरफ आ जाता हूँ जैसे कि पिछले पार्ट में मैंने किया था। यहाँ से कोई एग्जिट पॉइंट नहीं है मेरे लिए, मैं यहाँ से किसी तरफ भी नहीं भाग सकता अगर वो सामने से आ जाएगा तो। फिलहाल मैं यहाँ पे आके चुपके से डर के मारे बैठ जाता हूँ और राम 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 जपने लगता हूँ कि अगर आएगा तो भी ठीक है और अगर नहीं आएगा तो और ही ठीक है। और वो यहाँ पे नहीं आता है तो मैं दोबारा से चुपके से वापस आता हूँ। यहाँ पे मेरी शॉटगन पड़ी हुई है जो मेरे अभी किसी काम की नहीं है। अगर इसके घर पे कहीं पे भी उसकी एमओ मिलती है तो हम लोग शॉटगन को लेकर, ओ माय गॉड, आ गया भाई। ओ भागो भागो भागो, निकलो 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 इधर से। मैं छोटे वाले दरवाजे से फिर से इसी तरफ आ जाता हूँ, क्योंकि मिस्टर मीट उस छोटे वाले दरवाजे से, दरवाज़ा नहीं है बेसिकली, वो दीवार ब्रेक हुई है जो भी है उससे वो मिस्टर मीट इससे अंदर नहीं आ पाएगा। ओके, यहाँ पे एक छोटी सी केव है, हम लोग इससे बाहर भी जा पाएंगे क्या? ओके, देखते हैं। ओ सामने है। जैसे ही मैंने ईंट को हटाया, आवाज़ सुनते ही मिस्टर मीट मेरे सामने आ गया। और ये क्या भाई, ये गलत हो रहा है भाई मेरे साथ, ये कैसे हो सकता है भाई? मैं अंदर था, अंदर उसने कैसे मुझे जड़ दिया भाई, जो मारा भाई मुझे। और यहाँ पे मेरा नाइट वन स्टार्ट हो चुका है, मुझे लाके इसने घर में ढकेल दिया है, घर में कैद कर दिया है। तो मैं यहाँ से इस लकड़ी के टुकड़े को उठाकर यहाँ से तोड़ता हूँ और दोबारा से घर के बाहर आ जाता हूँ। अभी यहाँ से हमारा रियल गेम स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि हम लोग आ चुके हैं नाइट वन में। ओके, हमारे पास तीन चांस होते हैं यहाँ पे सभी की सभी चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए, यहाँ से बाहर निकलने के लिए, उस लड़की को साथ में लेकर निकलने के लिए। मेरे पास सिर्फ तीन ही चांस रहते हैं और यहाँ पे इसका पार्ट मुझे ढूंढना पड़ेगा पहले, जो हार्ट टाइप का उसका मिसिंग पार्ट है उसको मुझे ढूंढना पड़ेगा, तभी हम लोग उसमें इंटर कर पाएंगे और उस केव से होते हुए उसके घर में हम लोग जा पाएंगे। तो मुझे ढूंढना पड़ेगा कहाँ पर है वो छोटा सा वुडन हार्ट का टुकड़ा। ओके, तो देखते हैं किधर है किधर है किधर है किधर है। वैसे ये घर तो उतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन अभी हम लोग इस गेम में नए हैं इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये गेम, मतलब ये घर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, ये घर तो मतलब बड़ा नहीं है। ओके, तो चलते हैं हम लोग, देखते हैं अभी कहाँ पे है कहाँ पे है कहाँ पे है। मैं घूम फिर के भाई उसी जगह पर वापस आ जाता हूँ, उसी जगह पर मैं वापस आ जाता हूँ। देखो यहीं पर मैं फिर वापस आ गया, अभी मेरे हाथ और टुकड़ा भी नहीं लगा जो कि मुझे चाहिए। ओके, तो हम लोग ढूंढते हैं। अभी ये डोर भी लॉक है भाई, शॉटगन की एमओ भी नहीं है मेरे पास, यहाँ तक कि मैंने शॉटगन को भाई फेंक दिया, क्योंकि एमओ नहीं है तो उसका कोई काम ही नहीं है मेरे पास। ओके, तो हम लोग चलते हैं इसके फार्म पे। हो उसका पिक उधर है, उससे भी मुझे बचना पड़ेगा। और यहाँ पर ये कुछ था यहाँ पर, सॉरी मैंने यहाँ पर उसको इग्नोर कर दिया। और चलते हैं ऊपर से, हम लोग देखेंगे कि किस तरफ है। ओ ये दौड़ा ली भाई मुझे, ये तो भाई गलत ही सीन है, ये तो मेरे पीछे ही पड़ जाती है। शॉटगन होती ना
तो एक ही शॉट में भाई इसको हम लोग निपटा देते हैं और हमेशा के लिए इससे हमको छुटकारा मिल जाता। लेकिन भाई ये तो मेरे पीछे ही पड़ जाती है, ओके। मैं भागते हुए यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ वो हर्ट का टुकड़ा पड़ा हुआ है, ओके। अब मुझे उसे उठाना पड़ेगा, लेकिन ये सिक्योरिटी की तरह उसकी देखभाल कर रही है, ये मुझे उसको उठाने नहीं देगी। मैं यहाँ पे उठाने की कोशिश करता हूँ लेकिन वो मुझको धक्का दे देती है, तो मैं फिर से भाग लेता हूँ, ओके। अभी आ रही है मेरे पास, अरे चले जा तू इधर से, निकलना यार तू, मैं इसको उठा नहीं पा रहा हूँ। मैं एक बार सोचता हूँ हिम्मत से कि उसको उठा ही लेता हूँ, ये पिक जो करेगी करेगी, लेकिन ये मुझे मार देती है भाई, ये मुझे मार देती है, देखा आपने। और फिर मिस्टर मीट ने मुझे लाके दूसरे कमरे में बंद कर दिया और यहाँ से हमारा नाइट टू स्टार्ट होता है। तो जैसा कि हमने पिछले पार्ट में भी किया था, हम लोग इस ईंट को हटाएंगे और इससे बाहर निकलेंगे, ओके। उसकी पिक कहाँ पे है पहले मुझे उसे ही देखना पड़ेगा। सच बता रहा हूँ शॉर्ट गन की एमओ होती भाई एक दो ना, तो इसको तो निपटा ही देता। तो हम लोग उसके फार्म पे दोबारा से चलते हैं और देखते हैं पिक यहीं पे है। तो मैं पहले वुडन हट का ये जो पार्ट है इसको हम लोग उठा लेते हैं और लेकर चलते हैं उसी तरफ वहाँ पे लगाने के लिए। वहाँ पे लगाने के बाद ये क्या भाई, ये क्या है, मतलब गलत भाई, मेरे साथ गलत हुआ भाई। ये मैं मस्त मज़े में लेके जा रहा था भाई, पीछे से आई और ऐसा मारा भाई, मुझे पता ही नहीं चला, ओके। कोई नहीं, हम लोग दोबारा से एक कमरे में कैद हो चुके हैं। अभी मैंने यहाँ पे उस जो पिक का जो दाना है, जो चारा है, मैंने यहाँ पे उसको गिरा दिया है, तो वो उसको खाने के लिए इस डोर को तोड़कर वापस आएगी और मैं इस डोर से वापस निकल पाऊँगा, ओके। तो ये इधर खा रही है, तो अभी हम लोग बाहर जा सकते हैं। वो टुकड़ा किधर गया, टुकड़ा किधर गया, कहाँ पे मारा था इसने मुझे, उसे मुझे ढूंढना पड़ेगा, जल्दी से जल्दी मुझे ढूंढना पड़ेगा। ढूंढने के लिए मैं यहाँ ऊपर जाता हूँ, जो कि टावर तो नहीं है लेकिन मैं इसको टावर जैसा यूज करता हूँ, और सामने मुझे दिखता है चमकता हुआ है टुकड़ा, तो हम लोग इसको उठा लेते हैं और इसको उठाने के बाद लेकर चलते हैं सीधा उसी तरफ जहाँ पर इसको लगाना है। यहाँ पर मैंने इसको लगा दिया, अभी ये डोर ओपन हो चुका है और हम लोग इस केव से होते हुए जाएंगे अंदर, ओके। यहाँ पर ये क्या है, पीस ऑफ वुडन पार्ट, ये भी कोई पार्ट है कहीं पे लगेगा। अभी इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, जब कभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग इसको वापस लेकर चले जाएंगे। और ये क्या भाई, इतना गंदा है भाई, मिस्टर मीट ये हर जगह मीट ही रखता है भाई, ये हर जगह मीट है भाई इसके घर पे। ये देख रहे हो नाइफ पड़ा हुआ है, मैं सोचता हूँ नाइफ को उठाकर भाई मिस्टर मीट को फिनिश कर देता हूँ, लेकिन ये मेरे सामने, ये भाई निकलो यहाँ से, निकलना पड़ेगा मुझे यहाँ से। मैं दोबारा से अपने उसी केब में वापस आ जाता हूँ, क्योंकि ये इसके अंदर नहीं आ पाएगा, क्योंकि उसका साइज बहुत ही बड़ा है, मीट खा खा के भाइयों बहुत ही बड़ा हो चुका है, ओके। मतलब इतना भी बड़ा नहीं है लेकिन साइज से तो बड़ा ही है, तभी तो छोटे वाले केब में वो नहीं आ पाता। देख रहे हो भाई, देख रहे हो भाई उसकी शरीर कैसी है, आदमी ही है भाइयों, ओके। तो अभी वो गया उस तरफ, देख लिया शायद, उसने देख लिया मुझे और शायद से वो आ रहा है मेरे पास। आ जाओ चाचा, हम निकलते हैं इस तरफ से, ओके। यहाँ से मैं ऊपर जाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ऊपर के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है कि ऊपर मुझे एग्जिट पॉइंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसीलिए मैं ऊपर नहीं जा पाता हूँ। और यहाँ पे इस घर में अभी एक भी टास्क हमने कंप्लीट नहीं किया है पिछले पार्ट की तरह, भाई इतना बड़ा नूपला हो गया हूँ मैं, मतलब क्या ही बताऊँ भाई, इतना अच्छा खेलता था भाई इन सब गेमों को, लेकिन अभी क्या ही बताऊँ, पता नहीं क्या हो गया मुझे, खेल ही नहीं पाता भाई मैं, ओके। अभी मुझे यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा, इस वाली केव से हम लोग दूसरे वाले कमरे में चलते हैं और यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं और इस तरफ तो नहीं आ रहा है, ओके ओके। ये यहाँ पे कुछ पड़ा हुआ है, पिलर्स है ये भाई, ये क्या है भाई, ये काम इसका क्या है, मुझे कुछ आइडिया नहीं है भाई इसका काम क्या है, अभी क्या करने वाला हूँ इसका मैं, लेकिन बस उठाने का ऑप्शन दिया तो मैंने उठा लिया इसको। अभी देखते हैं आगे कहाँ गया भाई मिस्टर मीट, इसके कान को पकड़ के ना काट देंगे इसी से। ये यहाँ पे एक डोर है, अभी मैं सिर्फ यहाँ पे ये देख रहा हूँ कि इसका कमरा कहाँ कहाँ पे है, कहाँ कहाँ से हम लोग निकल सकते हैं, अभी मैं इसके मैप को सिर्फ देख रहा हूँ, अभी इसके बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं। मैं यहाँ पे छिप जाता हूँ क्योंकि ये ऊपर की तरफ आ रहा होता है। आ जाओ मिस्टर मीट अंकल, ये देखो ये आ गया और शायद से इसने मुझे देखा नहीं है, इसीलिए दोबारा से वापिस चला जाएगा बिना मुझे कुछ किए, ओके। ये दोबारा से वापिस गया। अभी हम लोग जैसे बाहर आए
तो उसको थोड़ी सी आवाज़ आई होगी और मुझे पता है वो फिर से आएगा, इसलिए मैं फिर से यहाँ पे छिप जाता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि ये हॉरर गेम नहीं, लुका छिपी का गेम है भाई, हाइड एंड सीक। ओके, तो दोबारा से वो चला जाता है और मैं दोबारा से बाहर आ जाता हूँ और दोबारा से वही आवाज़ होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो दोबारा से वापस आएगा, लेकिन वो नहीं आता है, शायद से वो सीढ़ियों से नीचे जा चुका रहता है। ओके, यहाँ पे किसी पीस की ज़रूरत है जो कि मुझे 3 चाहिए और अभी मेरे पास 0 है। और यहाँ पे सामने क्या है, कोई लेटर पड़ा हुआ है, शायद ये एंड्रिया क्लार्क का लेटर है। इसमें कुछ लिखा हुआ है बड़े बड़े अक्षरों में जो कि मुझे अभी पढ़ने का टाइम नहीं है, क्योंकि अगर ये मिस्टर मीट आ जाएगा तो भाई एक ही हथौड़े में भाई उसका जो भी है, क्या है हथौड़ा है भाई, इतना ख़तरनाक मारता है कि भाई एक ही हथौड़े में सीधा बेहोश। उसके बाद दिखाया जाता है गेम में कि उसके हाथ में मेरी टांगे होती हैं, वो भी कटी हुई। ओह माय गॉड, यहाँ पे देख रहे हो भाई कैसे इसने भाई मीट को टांग रखा है भाई उल्टा करके। ओके, ये पूरा घर भाई, घर नहीं है ये, कसाई घर बना के रख दिया है इसने। ये यहाँ पे हैमर है, इस हैमर से क्या हम लोग मार सकते हैं क्या मिस्टर मीट को? ट्राई करना चाहिए क्या हमको? ओ माय गॉड, आ गया ये अभी। हम लोग यहाँ पे छिप चुके हैं लेकिन फिर भी ये मुझे मार रहा है। भाई क्या कर रहा है टकले तू? मैं अलमारी के अंदर हूँ भाई, छिप के बैठा हूँ, फिर भी ये मुझे मार रहा है भाई। और यहाँ पे टकले ने दोबारा से मेरी टांग काट दी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे पार्ट 3 के साथ वापस नेक्स्ट वीडियो में। ओके, यहाँ पे इसने मेरी टांगों को काट दिया है तो हमको गेम को दोबारा से रीस्टार्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे भी हमारा मिशन फेल्ड हो चुका है, लेकिन हम लोग दोबारा जाएंगे मिस्टर मीट के घर में उस लड़की को फाइंड आउट करने के लिए। और जब तक उस लड़की को हम लोग ढूंढ नहीं लेते तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे।